समुद्र पर हो रही है बारिश। क्या करे समुद्र, क्या करे इतने सारे नमक का, कितनी नदियां आई और कहां खो गई, क्या पता कितनी भाप बनाकर उड़ा दी, इसका भी कोई हिसाब नहीं उसके पास। फिर भी संसार की सारी नदियां धरती का सारा नमक लिए उसी की तरफ दौड़ी चली आ रही हैं, तो क्या करें, कैसे पुकारे मीठे पानी में रहने वाली मछलियों को, प्यासों को क्या मुंह दिखाए, कहाँ जाकर डूब मरे। खुद अपने आप पर बरस रहा है समुद्र, समुद्र पर हो रही है बारिश। नमक किसे नहीं चाहिए, लेकिन सबकी ज़रूरत का नमक वो अकेला ही क्यों ढोए, सबके ज़रूरत का नमक वह अकेला ही क्यों ढोए, क्या गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उसके उछाल की सजा है या धरती से 3 गुना होने की प्रतिक्रिया। कोई नहीं जानता उसकी प्राचीन स्मृतियों में नमक है या नहीं, नमक नहीं है उसके स्वप्न में, मुझे पता है। मैं बचपन से उसकी 1 चम्मच चीनी की इच्छा के बारे में सोचता हूँ, मैं बचपन से उसकी 1 चम्मच चीनी की इच्छा के बारे में सोचता हूँ। पछाड़े खा रहा है मेरे 3/4 शरीर में समुद्र, अभी अभी बादल, अभी अभी बर्फ, अभी अभी बर्फ, अभी अभी बादल, समुद्र पर हो रही है बारिश। मेरी पसंदीदा कविता नरेश सक्सेना जी की। आशा है मेरा पाठ पसंद आया। धन्यवाद दोस्तों।